है पंजाब केसरी, मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तेलंगाना में कांग्रेस को बंपर जीत मिली है, इस प्रकार दक्षिण में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। इस जीत के हीरो रेवंत रेड्डी बनकर निकले हैं। अनुमान है कि रेवंत रेड्डी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राज्य में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। संभावना है कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश में एक नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाए। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस को महज तेलंगाना में जीत से संतोष करना पड़ा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी बड़े अंतर से हार गई है। तेलंगाना में कांग्रेस को 119 में से 64 सीटें मिली है, जबकि बीआरएस को 39, बीजेपी को 8, असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी को एआईएमआईएम को 7 और अन्य को 1 सीट मिली है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी को केवल तेलंगाना में सरकार बनाने का और जश्न मनाने का मौका मिला है, लिहाजा कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाना चाहती है। अब अनुमान है कि तेलंगाना में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी इस बंपर जीत के हीरो बनकर उभरे हैं। रेवंत रेड्डी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है। रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2 तारीखों पर इस सारे इंतजाम और सुरक्षा पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। इसमें पहली तारीख 4 दिसंबर यानी सोमवार के दिन यानी आज है, वहीं दूसरी तारीख जो है 9 दिसंबर यानी शनिवार का दिन 4 दिसंबर है। नए मुख्यमंत्री की शपथ हो जाए इसके लिए संभावना कम दिखती है, ऐसे में दूसरी तारीख यानी 9 दिसंबर ज्यादा माकूल मालूम होती है। वही जानना जरूरी है कि आखिर 9 दिसंबर को ही तारीख माकूल क्यों बताया जा रहा है, तो आइए हम जानते हैं। यह तारीख जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काफी खास है। इस दिन कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है। 77 वर्ष की सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। हालांकि तेलंगाना के चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी नहीं जा सकी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पूरी ताकत झोंकी थी। अब प्रदेश के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन पर नई सरकार का तोहफा दे सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने जिस तरह 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने का ऐलान किया है, उसके आधार पर यही समझा जा सकता है कि यह शपथ ग्रहण सोनिया गांधी के जन्मदिन पर हो सकता है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी इस मौके पर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की शपथ को यादगार बनाना चाहती है। कांग्रेस को उत्तर के राज्यों में भले ही हार मिली हो, लेकिन दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। पार्टी इसका संदेश भी देना चाहती है। वही बता दें कि अब तेलंगाना में कौन मुख्यमंत्री होगा, यह सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते वहीं सीएम की रेस में सबसे आगे, लेकिन पार्टी के पास कुछ और बड़े चेहरे हैं जो नए मुख्यमंत्री की रेस में हैं। उसमें मल्लू भट्टी विक्रमार्क का नाम भी लिया जा सकता है। मल्लू यहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। इनके अलावा पूर्व अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी का नाम भी काफी आगे चल रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी भी तेलंगाना के कद्दावर नेता है। उनके साथ ही प्रदेश में नए सीएम की रेस में एक और नाम है कुमाटी रेड्डी का। देखना होगा कि 9 दिसंबर को इनमें से किसकी ताजपोशी होती है, काफी दिलचस्प होगा। वहीं रेवंत रेड्डी को अब जानना जरूरी है कि रेवंत रेड्डी को जीत का हीरो कैसे मान रहे हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार नेता है। विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। बीआरएस के साथ ही बीजेपी की हर रणनीति के आगे चुनौती बनकर उभरे थे। प्रचार के दौरान वो जहां जहां जाते वहां वहां लोग उनको देखकर सीएम सीएम के नारे लगाते थे। उनको प्रचार के दौरान अक्सर राहुल और प्रियंका के साथ भी देखा गया है। वैसे तो रेवंत रेड्डी ने छात्र जीवन में शुरुआत एबीपी से की थी, लेकिन 2007 में इंडिपेंडेंट जीते, फिर टीडीपी में शामिल हो गए। उन्होंने साल 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और तभी से कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। हालांकि 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही साल 2019 के आम चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज कर ली।
साल 2021 में उनको प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाया गया।